नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है, जहां दोस्तों सोलिटायर ग्रुप इंडिया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यहां ये अपनी एक होटल चेन सेटअप करेगा। दोस्तों सोलिटायर ग्रुप 3 लग्जरी 5 स्टार होटल यूपी के अंदर सेटअप करेगा। इसने प्लान किया है कि ये अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी के अंदर अपना होटल चेन सेटअप करेगा। अयोध्या में ये पहला होटल चेन सेटअप करने वाला है। करीब 7.42 एकर्स के लैंड पार्सल में यहाँ पर एक लग्जरी होटल चेन डेवलप किया जाएगा विद 240 रूम्स एंड 29 लग्जरी विलास। यहाँ पर दोस्तों ये इसका रेंडर है जो कि अपकमिंग होटल चेन होने वाला है अयोध्या में। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों लखनऊ में गोर्डन प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोजेक्ट MI ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। MI ग्रुप गोर्डन प्रोजेक्ट CG सिटी नियर IIT लखनऊ के पास सेटअप कर रही है, जो कि पैलेसियो मॉल के बिहाइंड है और HCL IIT सिटी के पास है। यहाँ पर दोस्तों गोर्डन का लग्जरी रेजिडेंशियल टावर 23 फ्लोर्स का होने वाला है और ये वन ऑफ द टैलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग होने वाली है लखनऊ के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो रेंडर है ये तैयार है और अभी आप इसका लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं। कुछ यहाँ पर फ्लोर्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर काफी सारा डेवलपमेंट होना बाकी है। नेक्स्ट अपडेट झांसी से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर करीब 600 मेगावाट कैपेसिटी वाले सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं। यहाँ पर झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सोलर पार्क डेवलप होने वाला है। ये ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पार्क होने वाला है। दोस्तों THDCIL और UPNEDA के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत अंडर PPA एग्रीमेंट UPPCL को एनर्जी सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों MNRE ने झांसी सोलर पार्क को अप्रूवल दे दिया है। रिसेंटली UPNEDA ने 600 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए बिड भी इनवाइट किया था। बिड सबमिशन की लास्ट डेट 8 मई 2024 है। अब यहाँ पर दोस्तों झांसी के अंदर ये सबसे बड़ा सोलर पार्क होने वाला है। हालांकि अभी भी कई सारे छोटे मोटे सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप होने वाले थे, लेकिन अब दोस्तों बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है स्टेट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स का भी लाभ उठा रही है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है फेम स्कीम, जिसका फेज 2 अभी चल रहा है और ये स्कीम काफी सहायक रही है उन राज्यों के लिए जहाँ पर दोस्तों अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है कि चार्जिंग स्टेशन का डेवलप होना। जैसे कि आपको पता है कि स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क चाहिए चार्जिंग स्टेशन का, ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो। इसके लिए जरूरी है फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी का होना और यहाँ पर दोस्तों अगर फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो जो इसकी चार्जिंग फैसिलिटी है वो इसको फिजिबल बना देगी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अडानी टोटल एनर्जीज जो कि ई मोबिलिटी कंपनी है, इसने यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है फ्रॉम यूपीडा टू डेवलप 26 चार्जिंग स्टेशन अलोंग दी 4 एक्सप्रेसवेज इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अपर लिंक एक्सप्रेसवे पे ये चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अडानी ने 9.74 रुपीस किलोवाट पर आर की कॉस्ट के आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इसके लिए ट्रांसपेरेंट बिड इनवाइट किया गया था जिसमें अडानी टोटल एनर्जीज विनर रही है। नेक्स्ट अपडेट लोहिया ग्रुप से संबंधित है, जहां दोस्तों लोहिया ग्रुप जो कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है, इसका जो मेजर पोर्शन है बिजनेस का ये हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट का है। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी अब रियल स्टेट सेक्टर में एंटर कर रही है, ये अपना एक्सपांशन कर रही है और इसने एक्सपांशन के लिए मुरादाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों को चुना है। इस कंपनी के पास कई सारे शहरों में लैंड पार्सल अवेलेबल हैं। यहाँ पर दोस्तों इसने रियल स्टेट डेवलपमेंट को प्लान्ड किया है। कंपनी का फर्स्ट प्रोजेक्ट 10 एकर्स में मुरादाबाद के अंदर आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मुरादाबाद के अंदर 10 एकर्स में एक टाउनशिप का डेवलपमेंट वर्क ये करेगी करीब 150 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पर इसने एक्सपेक्ट किया कि करीब इसको 250 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट अलीगढ़ से है, जहाँ दोस्तों अलीगढ़ सिटी के अंदर 7 रोड प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है करीब 1,113.25 करोड़ की राशि से इनका डेवलपमेंट वर्क करा जाएगा। दोस्तों ऑलरेडी 44.91 करोड़ रुपीज का अलॉटमेंट कर दिया गया है।
यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया गया है। अगर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आचार संहिता लगने से पहले इनका काम शुरू हो सकता है। 14 मार्च को उत्तर प्रदेश नगर विकास मंत्रालय ने 2023-24 के बजट के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के तहत यहाँ पर 7 सड़कों के विकास को अप्रूवल दिया है। अगर हम सड़कों की बात करें तो इसमें रामघाट रोड मीनाक्षी पुल से कुवारसी थाने तक, गुलार रोड श्यांसा तिराहे से दिल्ली गेट चौराहे तक, खैर रोड हीरानगर पुलिया से नदा चौराहा तक, आईटीआई रोड बिजली घर से बरौली पुल तक, बेगपुर मॉरिस रोड अब्दुल चौराहे से केला नगर चौराहे तक, रेलवे रोड जीटी रोड से अब्दुल करीम चौराहा जामा मस्जिद होते हुए खरीकन चौराहे तक, स्वर जयंती नगर चौराहे से रमेश विहार रोड। तो इस प्रकार से दोस्तों 7 ये महत्वपूर्ण सड़कें हैं। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, जहां वाराणसी रोपवे के गोंडोला केबल कार को अनवील कर दिया गया है। यहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23rd पब्लिक मीटिंग के दौरान परीक्षाओं में इसका एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इनोवेशन वर्क किया गया। यहाँ पर दशाश्वमेध धाम प्लाजा थर्सडे को यहाँ पर इसे अनवील किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था, हालांकि तब यहाँ पर केबल कार का जो अनवील का वर्क है ये कंप्लीट नहीं हुआ था, फाइनली अभी इसे अनवील कर दिया गया है। 24 मार्च 2023 को 645 करोड़ की कॉस्ट से इसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने रखा था। वहीं यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पैसेंजर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि वाराणसी जंक्शन से काशी विद्यापीठ तक अवेलेबल होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक्सपेक्टेशन यही है कि 1 नवंबर से ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। एज पर रिपोर्ट यहाँ पर इसकी पर आर की पैसेंजर कैपेसिटी 6000 होगी। नेक्स्ट अपडेट अगेन वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों अमरा में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर 1000 acres में एक टाउनशिप प्रस्तावित थी, और दोस्तों ये टाउनशिप 20 साल पुरानी थी। यूपी आवासीय विकास प्राधिकरण द्वारा इसका विकास करना था, लेकिन भूमि के अभाव के कारण इस टाउनशिप पर जो मेजर डेवलपमेंट वर्क होना था वो टाइम पर नहीं हो पाया। दोस्तों टाउनशिप बहुत लंबे समय से प्रस्तावित की गई थी। इसके अलावा यूपी आवास विकास परिषद ने 2004 में हमारा बाईपास गृहस्थान योजना के नाम से इसको लॉन्च किया था, और इसके लिए करीब 22-30 गाँव की भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव था, जो कि सफल नहीं हो पाया। हालांकि दोस्तों अब जो नया प्लान लाया गया है, इसके तहत 10 गांव की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा नेशनल हाईवे 19 पर, और यहीं पर दोस्तों टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल रेजिडेंशियल हाउसिंग डेवलपमेंट प्रपोज किए गए हैं। फ्यूचर में कोई भी अपडेट इस पर आती है तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। नेक्स्ट अपडेट बलरामपुर से है, जहाँ दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भूमि पूजन किया है माँ पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का बलरामपुर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी होने वाली है, करीब 60 एकर्स के क्षेत्रफल में फैली हुई रहेगी विद स्टेट 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये पहली यूनिवर्सिटी है गोंडा डिवीजन के अंदर। करीब पिछले 3 दशक पुरानी यहाँ पर डिमांड थी कि यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हो स्टेट ओन्ड, और फाइनली दोस्तों ये डिमांड अब फुलफिल्ड की जा रही है। यहाँ दोस्तों ये थर्ड यूनिवर्सिटी होने वाली है, जिसका नाम शक्तिपीठ पर रखा गया हो। नेक्स्ट अपडेट एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन से है, जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली 15 एयरपोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया है अक्रॉस इंडिया। यहां पर 12 ऐसे एयरपोर्ट्स थे जिनकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन वर्क किया गया है। इसमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती आदि शामिल है। चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद, आजमगढ़ और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के छोटे एयरपोर्ट से जिनका इनोग्रेशन वर्क किया गया है। यहाँ पर एक टर्मिनल बिल्डिंग को डेवलप किया गया था जिनका इनोग्रेशन वर्क किया गया है। इसके अलावा लखनऊ के टर्मिनल 3 का इनोग्रेशन किया गया है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास टर्मिनल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उड़ान स्कीम है उसका जो फेज 2 है, उसके तहत ये सारे डेवलपमेंट वर्क किए गए हैं, और इस फेज 2 के तहत कई सारे एयरपोर्ट्स को बहुत पहले ही नोटिफाई कर लिया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों उड़ान स्कीम का जो पर्पस है वो मल्टी फेचर्ड है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका अभी तक विकास हुआ है। जो छोटे एयरपोर्ट्स थे या फिर कोई एयरस्ट्रिप थी, उनको इसके तहत डेवलप किया गया है। यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग डेवलप की गई है, जो कि बहुत कैपेसिटी इनकी नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की रनवेज को डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर फाइनली 19-सीटर फ्लाइट्स भी ऑपरेट होनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों 19-सीटर जो एयरक्राफ्ट है, इनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था, और ये उड़ान स्कीम के तहत ही डेवलप की गई है। इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो बहुत कम है।
इसलिए दोस्तों इससे काफ़ी बचत होगी। और जो ऐसी सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एयरपोर्ट का नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर एक्सपांशन किया जा रहा है सरकार द्वारा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।